नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं। नालासोपारा पाटनकर पार्क स्थित प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर वैक्सीन हेतु जमा हुई बेतहाशा भीड़, मनपा के इंतजामों की खुली पोल। वसई विरार मनपा अंतर्गत बदहाल आरोग्य सेवा का नमूना हर दिन कहीं ना कहीं पे देखने को मिल ही जाता है। मनपा की बदहाली पर सवाल भी उठते हैं, खबरें भी चलती है। मनपा प्रशासन सुधार किए जाने का कहकर पल्ला भी झाड़ लेता है। कई बार आधे अधूरे स्टाफ का रोना भी रोया जाता है और मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर दी जाती है, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे कुछ ऐसा मामला सामने आता है जो सवाल पैदा कर देता है। अभी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर नालासोपारा के पाटनकर पार्क स्थित मनपा द्वारा संचालित नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र की है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जमा हुई भीड़ मनपा की तैयारियों की पोल खोलती दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन करवाने इतनी भीड़ जमा कैसे हो गई, ये सवाल बड़ा है। वैक्सीनेशन हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही मोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने दिए हुए टाइम स्लॉट के हिसाब से पहुंच जा रहे हैं। वहीं जिन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन समझ में नहीं आता, वह लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जल्दी सुबह ही लाइन लगाकर बैठ जाते हैं। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मिलाकर कुल जितने वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, असल में वैक्सीन उस रजिस्ट्रेशन हुए आंकड़े से आधे लोगों का भी नहीं हो पाता है और बाकी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है, जो फिर अगले दिन आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं और अगले दिन भीड़ और बढ़ जाती है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके एवं लोगों की भीड़ कम जमा हो, इसके लिए मनपा को त्वरित वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या में प्रतिदिन होने वाले वैक्सीनेशन की काउंट बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।